हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फायर आइस गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बनाया 39 का स्ट्रीक और 90% केसेस में मैं एमवीपी रहा हूँ सबसे ज्यादा किल्स करके। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कुछ ऐसे ऐसे खुफिया ट्रिक्स जो कि मैंने यूज करी है क्वाड्रा किल, ट्रिपल किल करने में, मैं आपको भी बताऊंगा, जिससे कि आपका गेम प्ले हो जाएगा एक प्रो प्लेयर की तरह। आप बहुत ज्यादा किल्स करोगे, हर एक मैच को विन करोगे, चाहे वो सीएस हो, फुल मैप हो। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप पूरे स्क्वाड को या फिर सामने दो तीन बंदे भी हो तो आप इजीली उनको मार के हीरो बन सकते हो। और खास बात यह है कि मैं आपको गेम प्ले दिखा के उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिससे कि बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर वन, आप यहाँ पे गेम प्ले देखो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एनिमी ने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था, तो मैंने यहाँ पे वॉल लगाया और उसको डाउन कर दिया। अब दूसरा एनिमी आया तो उसको भी मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया। अब यहाँ पे कोई भी प्लेयर होता, नॉर्मल प्लेयर, वो क्या करता, उनके ऊपर रस करता क्योंकि उसने उसको डैमेज दिया था। लेकिन मैंने ऊपर देखा, ऊपर कितने बंदे अलाइव है, 3 बंदे। अगर मैं वहाँ पे गया और उसका पूरा टीम आ गया, मेरा तो खेल खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे करूंगा थोड़ा सा होल्ड, और इस ट्रिक का नाम है लेट देम रस, उनको रस करने दो। बस ये है मेरा कवर। अब पूरा स्क्वाड सामने 4 के 4 बंदे, उनका पेशेंस लेवल जब खत्म होगा तो एक एक करके या फिर दो दो करके वो इजीली रस करेंगे। यहाँ पे देखो 3 बंदे आए, मैं अपने कवर में आ गया। आ भाई, एक डाउन किया, दूसरा आया, दूसरा डाउन किया, तीसरा आया, तीसरा डाउन किया। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होने वाली, लेट देम रस। अब एक बंदा बचा है तो उसको इजीली मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। जैसे ही बंदे आपके ऊपर रस करते हैं, पहली बात तो वो सीधा सीधा आते हैं, उनके ऊपर हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, आप उनके स्क्वाड के बीच में नहीं घुसते हो, वो एक एक करके आते हैं। ज्यादातर बंदा जब रस करेगा तो एक एक करके आएगा, दो दो करके आएगा, बट अगर आप उनके पास जाते हो तो वहां पे 4 बंदे आपको घेर के खड़े रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे सामने 3 बंदे और मैं हूँ अकेला, तो यहाँ पे एक बंदा उसको रिवाइव भी दे रहा है। 4 बंदे हो गए, इसमें से एक को मैंने डाउन किया। अब कोई भी बंदा होता, दूसरे को भी बहुत ज्यादा डैमेज था, कोई भी होता तो उसके अंदर घुस जाता। पिछले वाले ट्रिक में भी मैंने आपको बताया था कि आपको दिख रहा है वहां पे एक बंदा है, लेकिन ऊपर देखो अलाइव 4 बंदे और चारों उसके ही टीम के। कब कौन कहां से आ जाए कोई भरोसा नहीं, खुले में निकलना ही नहीं है। मैं पीछे की ओर आया, यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखा, लेकिन इसको मैंने मारने का ट्राई किया, जब नहीं लगा तो मैं फिर ऊपर आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मेरा जो मेन टारगेट था वो पहले वाले एनिमीज ही थे, लेकिन मैं उनके पास सीधा सीधा ना जाके अपने लोकेशन को चेंज करके गया, दूसरे साइड से गया, और यहाँ से जंप करके मैंने इजीली इन दोनों को डाउन कर दिया। इस वाले चीज को हम बोल सकते हैं, आपको ऑलवेज मूवमेंट में रहना है, घूमते फिरते रहना है या फिर अपने लोकेशन को चेंज करते रहना है, चेंज योर लोकेशन। यहाँ पे दूसरा बंदा भी, इसको भी डैमेज दिया, इस बंदे को भी मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। और भाई एक दो बंदे रहते हैं उनको इजीली मार देंगे, लेकिन 4 बंदों को जब आप मारना चाहो को घुमा फिरा के ही मारना पड़ेगा। एक और क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ये जो सारे है ना, ये सीएस रैंक के क्लिप है, 1v4 बच जा रहा हूँ मैं, ज्यादातर रैंडम प्लेयर्स के साथ या फिर अपने नो टीममेट्स के साथ खेलते हुए। तो यहाँ पे एक बंदा है, इसको मैंने डैमेज दिया। यहाँ पे फिर वो जो पहले वाला ट्रिक था ना, लेट देम रस, आगे की ओर नहीं गया मैं, इस वॉल के ही कवर को लेके उनका वेट किया। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब देखो 2 बंदे जब बचे हैं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, मैं उनको मार ही देता हूँ। तो मैं गया आगे की ओर, एक को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, बचा सिर्फ अंतिम वाला। अंतिम वाले में मैंने इस वाले ट्रिक का यूज किया, जिसको हम कहते हैं चेंज योर लोकेशन या फिर ऑलवेज मूवमेंट में रहना है। तो इन सबको फिनिश करने के बाद तीसरे बंदे का वेट करते करते जब मैं यहाँ पे था तो तीसरा बंदा भी आया। तीसरे बंदे को मैंने मारने का ट्राई किया, नहीं लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लोकेशन को चेंज किया। चेंज क्या किया, पूरा पीछे आ गया, और पीछे आने के बाद एक ऐसा कवर लेके बैठा जिससे कि एनिमी मुझे ना मार पाए और मैं कवर से निकल के इजीली उसको खत्म कर दूं। और यहाँ पे भी मैंने क्वाड्रा मार के इस राउंड को जिता दिया। मैंने ज्यादातर देखा अपने सब्सक्राइबर्स, क्या अपने टीममेट जो कि मेरे साथ खेलते, वो भी सामने जब 3-4 बंदे बच जाते हैं ना, होपलेस हो जाते कि इनको अब कैसे मारे। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझो और इन चीजों को फॉलो करके आप इजीली पूरे स्क्वाड को खत्म कर सकते हो। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको वही जाना माना ट्रिक बताऊंगा, लॉन्ग रेंज का कवर। लेकिन मैं आपको लॉन्ग रेंज के कवर का चमत्कार दिखाऊंगा, फायदा दिखाऊंगा। आप लोगों को लगता है ना कि मैं ऐसे कुछ भी बोल देता हूँ, लॉन्ग रेंज के कवर से आपके पूरे टीम को इतना फायदा होगा, आप हारे हुए मैच को जीत जाओगे, आपको अच्छे खासे किल मिल सकते हैं। देखो इस वाले सीन में क्या होता है, ऑब्जर्वेटरी का ये राउंड है, मैंने इस जगह को अपना कवर बनाया। अब सामने मेरे टीममेट गए,
उनको कोई भी मारेगा मैं यहाँ से इजीली उनको कवर दूंगा, उनको डैमेज दूंगा सामने वालों को, एनिमीज को, तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स बिल्कुल निडर होके फाइट कर सकते हैं। देखो ये बंदा आया मेरे टीममेट्स को मारने के लिए, इसको मैंने डाउन कर दिया, किल मिला ना भाई। लॉन्ग रेंज से कवर देने पे भी किल मिलता है और ज्यादा किल मिलता है। सामने जाओगे तो आपके मरने के चांसेस भी है, लॉन्ग रेंज में रहोगे कवर दोगे तो आपके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखो वो बंदा निकल के मार रहा है मेरे टीममेट को, उसको थोड़ी पता कि मैं यहाँ से उसको डैमेज दूंगा, उसको नहीं पता भाई। जो भी फाइट खुले में होगी जहाँ पे वो विजिबल रहेंगे उनको डैमेज पड़ेगा। हेडशॉट से एक और बंदा मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। अब आराम से आगे की ओर जा रहा हूँ क्योंकि सामने सिर्फ एक बंदा है और एक बंदा जब रहता है तो उससे डरने का नहीं, क्योंकि आप फायर आइज गेमिंग के सब्सक्राइबर हो यार। ट्रिक नंबर 3 यही था कि आपको लॉन्ग रेंज का कवर का भी फायदा उठाना है। आपकी टीम का कोई एक प्लेयर लॉन्ग रेंज से कवर देगा, मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हैं लॉन्ग रेंज के, बहुत ही खतरनाक खतरनाक हिडन ट्रिक्स बताए जहाँ से आप एनिमीज को बहुत आसानी से मार सकते हो। आपको पूरा मैप दिखाई देगा लेकिन एनिमीज आपको नहीं देख पाएंगे, तो आप जाके उन शॉर्ट्स को देख सकते हो। मैं क्यों कर रहा हूँ भाई ये सब, मुझे क्या मिल रहा है? व्यूज तो मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सबका गेम प्ले प्रो करना चाहता हूँ मैं। स्टार्टिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस डालता हूँ, तो मुझे लगता है कि फायर आइज गेमिंग के जो सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया उनका गेम प्ले सबसे बेस्ट हो फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर। बस यार इन ट्रिक्स को फॉलो करो, जो जो मैं बताता हूँ उनको भूलो मत, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर खेलो, अपने दोस्तों के साथ कस्टम खेलो, गेम प्ले ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। ट्रिक नंबर 4, आप जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पे मेडिकेट कर रहा हूँ, सामने बंदे नाच रहे हैं, वॉल लगा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात तो सही है। मैं उस क्षण का वेट कर रहा हूँ जहाँ पे वो लोग निकलेंगे, एक डाउन किया, दूसरा डाउन किया। इसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस जिस इंसान के अंदर आ गया वो किसी भी चीज में, फ्री फायर के अंदर ही नहीं, किसी भी चीज में सक्सेस हासिल कर लेगा। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर। यहाँ पे आप क्लिप देखो, मैंने यहाँ पे नेड फेंका, नेड से किसी को डैमेज नहीं पड़ा, मेरे यहाँ पे सारे टीममेट्स लगभग नॉक हो गए, सामने का पूरा स्क्वाड जिंदा है। अगर मैंने जो आपको चार ट्रिक्स बताए उन ट्रिक्स को अगर फॉलो करता तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूरे स्क्वाड के बीच में घुसा, एक रूम के अंदर बंद करके मुझे मारा गया यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दूसरे क्लिप में आप यहाँ पे देख सकते हो सेम सिचुएशन हुआ, यहाँ पे बंदे हैं सामने, एक को डाउन किया, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, दूसरे तीसरे को मारने के एकदम खुले में निकल गया, रिजल्ट वही सेम हुआ, मैं खत्म हो गया, मेरे साथ साथ मेरा पूरा टीम खत्म हो गया, क्योंकि पूरे टीम के अंदर मैं ही प्रो प्लेयर था। अगर मैं ही ऐसे मिस्टेक्स करूंगा तो फिर टीम का क्या होगा? आप भी अपने टीम के अंदर सबसे प्रो प्लेयर हो तो आपको भी ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं और बताए गए ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करना है, आप भी सारे गेम्स को जीत पाओगे, अच्छा खासा स्ट्रीक बना पाओगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और सीक्रेट। देखो फ्री फायर के अंदर अच्छा गन स्किन अच्छे बंडल्स किसे नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पास डायमंड नहीं होते हैं और डायमंड टॉप अप करने के लिए पैसे भी नहीं होते। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि डायमंड टॉप अप करने के लिए पैसे नहीं लगते, बस एक ट्रिक है जो कि आपका जानना जरूरी है, जो जानता है हमारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे फ्री फायर के प्लेयर्स इस ट्रिक से हजारों में डायमंड्स ले रहे हैं अपने अकाउंट में। जी हाँ, यहाँ पे आपको वो वीडियो दिख रहा होगा, इस पे आप दबाओगे, जाके देखोगे उस ट्रिक को। तो उस ट्रिक में मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताया कि आप कैसे रोज के 5,000 से भी ज्यादा डायमंड बिल्कुल ही फ्री में अपने अकाउंट में ले सकते हो। जाओ इस पे दबाओ और जाके उस वीडियो को देखो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड दबाओ इस पे।